भाजपा में चुनाव के कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री बदलने का प्रयोग सफल रहा। अब चर्चा है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी बदला जा सकता है। निकाय चुनाव में असफलता मिलने के बाद सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। इससे संकेत संघ के नेताओं के साथ वार्ता में खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिए हैं। आरएसएस के पूर्व प्रचारक और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी कुर्सी जाने की आशंका जताई है। हाल ही में सीएम खट्टर ने अपने आवास पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई पदाधिकारियों के साथ चाय नाश्ते पर चर्चा की। चर्चा के दौरान उन्होंने इस आशंका का इजहार किया है। इंडियन एक्सप्रेस के कॉलम में इस बात का उल्लेख किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि संघ नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ चर्चा के दौरान उनकी तारीफों के पुल बांधे। साथ ही हरियाणा में उनके लंबे शासनकाल को लेकर कहा कि आपको तीन दिग्गज लालों का रिकॉर्ड तोड़ना चाहिए। बता दें कि तीनों लाल का मतलब होता है बंसी लाल, देवी लाल और भजन लाल। वार्ता के दौरान प्रचारक की बातों को सीएम खट्टर ने विनम्रता पूर्वक काटते हुए कहा कि वे रिकॉर्ड कायम करने की योजना नहीं बना रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें जल्द ही सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ जाए। बता दें कि हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर को संदेह है कि वो जल्द ही अपनी कुर्सी गंवा सकते हैं। हाल ही में पीएम मोदी ने मुलाकात के दौरान खट्टर से पूछा था कि क्या वो खुश हैं। उनका इशारा अभी हाल ही में हुए पंचायत चुनावों की ओर था, जिसमें भाजपा को जिला परिषद चुनाव में महज 13 से 14 सीटें ही मिल पाई थी। इसी बात को लेकर खट्टर ने संदेह जताया कि शायद वे अपना कार्यकाल पूरा कर पाएं। कभी पीएम मोदी के साथ एक ही घर में रहने वाले खट्टर प्रधानमंत्री को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये उनके नेतृत्व परिवर्तन करने के लिए संकेत देने का गूढ़ तरीका होता है। वे इशारों ही इशारों में इस बात को सामने वाले नेता से कह देते हैं। उनका इशारा जल्द ही राज्य में नेतृत्व परिवर्तन का हो सकता है। बता दें कि सीएम मनोहर लाल खट्टर और पीएम मोदी ने एक साथ संघ प्रचारक की भूमिका निभाई थी। इस दौरान दोनों नेता एक साथ ही रहते थे। पिछले हफ्ते हरियाणा में जिला परिषद समेत पंचायत निकाय चुनाव के निराशाजनक नतीजे बताते हैं कि पीएम मोदी को शायद पहले से ही इसका आभास हो चुका था। उन्हें लग गया था कि राज्य में बीजेपी के साथ सब ठीक नहीं है। इसको लेकर राज्य की राजनीति में दबी जुबान में चर्चा होने लगी है। ये बात अलग है कि दिल्ली नगर निगम चुनाव में सीएम खट्टर को स्टार प्रचारक की तरह बीजेपी ने सामने किया था। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दो राज्यों में सीएम फेस को बदला था। ये राज्य उत्तराखंड और त्रिपुरा थे। दोनों ही राज्यों में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, यानी भाजपा का प्रयोग सफल रहा। अब ये आने वाले दिन ही बताएंगे कि खट्टर के हाथों में हरियाणा की कमान रहेगी या कोई दूसरा नेता राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।